Hey guys, hello everyone. It's me, Bushra. Very, very good morning or afternoon, all of you. Welcome to QCL. एक नए प्यारे से ऑसम से सेशन के साथ 29th of July 2021 के लेटेस्ट स्पेशल करंट अफेयर्स के साथ आपकी फ्रेंड आपके बीच आपके लिए हाजिर. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स. लेकिन दो काम आपने अपने लिए कर लेने हैं. नंबर वन, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब QCL. क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जितना कंटेंट बना है वो आपको कैसे मिलेगा. और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे कि जो न्यू कंटेंट जो बन रहा है डेली बेसिस पर उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे. नंबर टू, यू हैव टू बी वॉच कंप्लीट वीडियो. यू हैव टू वॉच विद केयरफुली, कंप्लीट विद केयरफुली. तो वॉच कंप्लीट वीडियो विद केयरफुली, वॉच टिल टू एंड. क्योंकि बिकॉज़ अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो मेरे कंटेंट बनाने का जो कंप्लीट उद्देश्य है, वो बेनिफिट है जो आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा. तो हाउ टू यू गेन, अगर आप गेन करेंगे तो भी उसका मेरा जो टारगेट है वो पूरा होगा. तो इसलिए दो काम आप लोगों ने कर लेने अपने लिए. और वीडियो को सुनने के बाद लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर दें ताकि मुझे आप लोगों को पढ़ाने के बाद खुशी महसूस हो. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाल ही में अभी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया है? तो 28th of July को. इसको कहते हैं हिंदी में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस. विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है ना, ये 28 जुलाई को मनाया गया है. क्यों मनाया जाता है जी? इसीलिए कि जो हमारे पास है, एक तो उसका हम कंजर्वेशन करें, संरक्षण करें, सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाएं उसके लिए, और बाकी जो नेचर से हमें मिल रहा है उसका सम्मान भी करें और उसकी रक्षा भी करें. इसीलिए प्रकृति से जो हमें मिल रहा है तो प्रकृति की संसाधनों की रक्षा और जो कुछ मिला है उसका संरक्षण, उसके लिए सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाएं. क्या हिंदी बोलिए, वाह. तो ऐसे ही बोलती हूँ मैं तो, इंग्लिश हिंदी उर्दू हो चाहे कुछ भी हो आप लोगों के लिए. तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे तो ये मनाया गया है 28th of July को. अच्छा, नेक्स्ट डे और मनाया गया है 28th of July को. कौन सा? हेपाटाइटिस डे. हेपेटाइटिस डे मनाया गया है. इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, थीम है इसकी हेपाटाइटिस कांट वेट. हेपेटाइटिस कांट वेट. क्या? हेपेटाइटिस कांट वेट. और ये इसकी थीम है. और ये भी हेपेटाइटिस डे भी मनाया गया है, ऑब्जर्व्ड ऑन 28th of July. तो ये भी हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया? 28 जुलाई को. और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है ना, नेचुरल नहीं कहेंगे, नेचुरल नेचर से ही बना है. ठीक, तो ये भी 28 जुलाई को. तो दोनों आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से. क्वेश्चन है, नंदू नाटेकर का निधन हो गया, ये कौन थे? नंदू नाटेकर, तो ही वॉज अ फेमस प्लेयर. क्या थे? ही वॉज अ फेमस प्लेयर. और मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये एक पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल मेडल जीता था. कब जीता था जी? 1956 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले, मेडल जीतने वाले यही थे. देश के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी. कौन से? बैडमिंटन खिलाड़ी. क्या नाम है? नंदू नाटेकर. तो पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता था. मेरी एक एक बात कान खुले होने चाहिए, दिमाग तक जानी चाहिए, ठीक है, याद रखना. और इन्होंने कब जीता था पदक? 1956 में जीता था. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुखिया, किस राज्य सरकार ने अभी, क्या बोलेंगे उसको, एक मिनट, इसको कहेंगे बैम्बू. क्या कहते हैं? बैम्बू, बांस. हिंदी में कहते हैं बांस. दोनों में बता देती हूँ. तो बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है, बांस औद्योगिक पार्क. तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने अभी असम में एक बांस औद्योगिक पार्क
बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है। अब बात असम की है जी, असम में कौन कौन से डांसेस फेमस हैं? भूराल, बिहू, बागरुम्बा और झुमरू, या क्या कहते हैं झुमुर, ये चार डांसेस चलते हैं। असम में कौन कौन सी योजनाएं हैं? अरुणोई, धनमंत्री और पर्यटन संजीवनी, भ्रमण सारथी, भ्रमण सारथी, भाषा गौरव और प्रज्ञान भारती, ये छह तो एटलीस्ट याद रखिए, और भी मैंने बताई हैं, ये भी करंटली बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और असम तीसरे नंबर का इंडिया का वो स्टेट बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। पहले नंबर पर एमपी 10 है, सेकंड नंबर पर अंडमान निकोबार 9 है, थर्ड नंबर पे असम है जिसमें 7 है। कौन कौन से हैं? मानस हाथियों के लिए फेमस है जी, और एक सिंह वाले गैंडे के लिए कौन फेमस है? तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा, और ये दोनों अब नेशनल पार्क तो है ही, पहले से ही बता रही हूँ। और तीसरा है नामेरी, चौथा है डिब्रू शिखोवा, पांचवा है औरंग, छठा बना था रायमोना, और सातवां कौन सा बना? देहिंग पटकाइन, ठीक है। और एक पोवा रिजर्व फॉरेस्ट भी है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा, वो भी जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाएगा पोवा रिजर्व फॉरेस्ट तब बताऊंगी। देहिंग पटकाइन पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब नेशनल पार्क हो गया। इसी तरह रायमोना, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, दिसपुर कैपिटल है, सुधांशु धूलिया चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी में हाईकोर्ट का, जगदीश मुखी गवर्नर, और हेमंत विश्व शर्मा की तो बात मैं कर ही चुकी हूँ। तो योजनाएं हो गई, डांसेस हो गई, हाँ असम की बात करें, असम असम श्री, असम भूषण, असम विभूषण, असम रत्न, ऐसे ही अवार्ड देगा जैसे भारत के दिए जाते हैं। असम ने इस पर एक मतलब अपना ये घोषणा की है, ठीक है। और असम की और भी बहुत सी बातें मैंने बताई हैं, काओ हॉस्पिटल पहला नॉर्थ ईस्ट का डिब्रूगढ़ में बना है, तो ये ऐसी बातें मैं बताती रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनेस्को ने किस राज्य के धौलावीरा को अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो धौलावीरा ये गुजरात का, देखिए ये हड़प्पा टाइम का, हड़प्पा युग का एक शहर था धौलावीरा। इसके बारे में मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया में पढ़ाया है। तो धौलावीरा को अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है, और ये किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात में गिरनार रोकवे का उद्घाटन किया गया था, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ, और गुजरात में हाँ ये दो हो गए। और गुजरात का जो शिवराजपुर बीच है उसको द्वारका सर्टिफिकेट मिला, द्वारका में है, द्वारका गुजरात में क्या शिवराजपुर बीच, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, बहुत बार बताती हूँ, यूनेस्को ने दिया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, और ये द्वारका गुजरात में है, क्या शिवराजपुर बीच। सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में नंबर 1 है, और यहाँ पर कौन कौन सी योजना चल रही है, किसान सूर्य उदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तो ये सब चल रहा है यहाँ पर। और जिंक स्मेल्टर प्लांट लग रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, भारत की सबसे बड़ी लिथियम की फैक्ट्री लग रही है, और सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण पार्क बना है पहला भारत का। तो ये तमाम बातें आप गुजरात की याद रखिए। गांधीनगर कैपिटल है, विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर, और आचार्य देवव्रत कौन है? गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मध्य दक्षिण एशिया यानी सेंट्रल साउथ एशियन समिट, मध्य दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन को कहते हैं समिट, कॉन्फ्रेंस भी बाज़ोकात यूज़ करते हैं, तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंड साउथ एशियन समिट का भी उद्घाटन हुआ है। इसकी मेज़बानी किसने की है, इसका आयोजन हो रहा है, इसकी मेज़बानी की है उज़्बेकिस्तान ने। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। शबाकत निर्जियो कौन है? ये है इसके प्रेसिडेंट। करेंसी आप बताएंगे क्या है? उज़्बेकिस्तानी सोम, ठीक। तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में दिसंबर 2021 में विम्सटेक का शिखर सम्मेलन, यानी विम्सटेक समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
श्रीलंका में दिसंबर 2021 में विम्सटेक सबमिट यानी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, असम में जो बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है उसकी आधारशिला रखी है, उद्घाटन कह दिया हो कभी मैंने गलती से, इसलिए बता रही हूँ, आधारशिला रखी है जी असम की चीफ मिनिस्टर ने। एक एक बात क्लियर करवाती हूँ आपको, ध्यान से सुना करें, ठीक है? तो ठीक है, तो दिसंबर 2021 में विम्सटेक का शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित होगा। श्रीलंका कोलंबो कैपिटल है, लेकिन कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने पुरमकोट्टे। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका की कैपिटल है श्रीलंकन रुपी। और महिंद्रा राजपक्षे कौन है? ये है प्राइम मिनिस्टर गोताबाया राजपक्षे, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित होगी और बिहार में ही स्थापित होगी। कहाँ? बिहार में ही बनाई जाएगी। तो बिहार की जो विधानसभा है वहाँ ये प्रस्ताव पास हो गया है। बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, फागू चौहान गवर्नर, पटना कैपिटल। और एक और बात याद रखेंगे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ फेमस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की यानी अपने देश भारत की 2022 की, दोबारा सुनिए क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022 की IMF ने क्या आर्थिक वृद्धि दर की अनुमानित घोषणा की है? ये क्वेश्चन बनाया मैंने, तो अभी अनुमान व्यक्त किया है IMF ने किसका? अपने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का, आर्थिक वृद्धि दर का, कितने साल, कौन से साल की? वित्तीय वर्ष 2022, क्योंकि क्या चल रहा है, वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल to 31 मार्च। तो क्या चल रहा है? वित्तीय वर्ष 2022 चल रहा है। तो वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर जो बताई है IMF ने, वो बताइए 9.5% कितनी रहेगी? 9.5% ये ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। IMF की स्थापना ये हुई थी 1948 में, 1945 में WTO बना था, UNO भी बना था 1945 में। तो 1948 में स्थापना हुई IMF की, हेडक्वार्टर Washington DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और IMF की जो IMF की जो हेड है या CEO है, कौन? CEO कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जियाबा। समझा गई आपको? क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन अपने देश भारत पहुंचे हैं? तो जी हाँ, ऑफिशियल विजिट के लिए आए हैं इंडिया। किस देश के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकिन? एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, विदेश मामलों के मंत्री, विदेश मंत्री। और अमेरिका के हैं एंटनी ब्लिंकिन। कौन है? एंटनी ब्लिंकिन। और यही आए हैं इंडिया USA से ऑफिशियल विजिट के लिए। अमेरिका के फैक्ट्स तो मैं आपको बताती रहती हूँ, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इनकी बुक्स दोनों की और अमेरिका के बाकी फैक्ट्स सभी मैं आपको बताती हूँ। जब आप पुराने वीडियोस रिवाइज करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, नहीं बता दूंगी किसी और बात, अभी छोड़ देती हूँ, ठीक है? क्योंकि अमेरिका के फैक्ट्स तो मैंने बहुत सारे बताए हैं आपको, हर वीडियो में बताती हूँ जब भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राकेश अस्थाना को किस राज्य की पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन ऐसे भी ले सकते थे, चलिए मैं बता दे रही हूँ, मुझे तो दोनों ही बताने हैं तो दोनों ही तरह से बता देती हूँ। दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो ऐसे पूछा जाए, ये जैसे पूछा जाए, आपको याद रखना है राकेश अस्थाना जी का नाम, ये CBI के पूर्व प्रमुख हैं। कौन है? पूर्व निदेशक यानी पूर्व चीफ है, ठीक। तो ये
राकेश अस्थाना जी, क्या नाम है? राकेश अस्थाना जी, जी तो मैं लगा रही हूँ, अस्थाना, राकेश अस्थाना नाम है, ठीक है। तो ये ही अभी बने हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने COVID-19 में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों को 2000 रुपये मासिक सहायता देने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात के फैक्ट्स मैंने अभी बताए, गुजरात के फैक्ट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, और गुजरात सरकार ने, उनके अकाउंट में ये पैसे आएंगे, बाय अकाउंट दिए जाएंगे, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिया ड्यू टू ऑफ COVID-19, उनको 2000 रुपीज़ की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अमेरिका के फैक्ट सुन ही लीजिए, सोचेंगे मैम छोड़ दिया क्या, तो सोचिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन साहब की कौन सी बुक फेमस है? प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। अच्छा, कमला हैरिस, इनकी तीन बुक है, कौन कौन सी? ट्रुथ बी होल्ड, स्मार्ट ऑन क्राइम, दूसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम, और तीसरी है सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। ये तीन बुक्स हैं। अमेरिका ने अभी WHO से ऑफिशियल रिलेशन ख़त्म कर दिए थे, लगभग एक साल हो गया है इस बात को, और अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया था, और उसके बाद रशिया ने भी छोड़ा था, और अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा बिल, यानी राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा, यानी स्मारक, अपनी जो USA की जो इमारतें हैं, जो मेमोरियल बिल्डिंग्स हैं, अगर उनको कोई क्षति पहुंचाता है तो उसको जुर्माना अथवा सज़ा दोनों हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकता है। तो ये राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा बिल पारित किया, और वैसे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों को भी बैन कर दिया था अमेरिका ने। तो ये तमाम बातें तो एटलीस्ट याद रखिए। अच्छा, अब सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में अभी वसवराज एस बुम्बई को किस राज्य का मुख्यमंत्री? देखिए, परसों घोषणा हुई थी, मैंने आपको बताया था परसों कि त्यागपत्र दे दिया है VS येदुरप्पा, और ये VS येदुरप्पा के करीबी ही माने जाते हैं, मतलब अब तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन जब वो थे तो उनके काफ़ी उनकी इस मंत्रिमंडल में ही थे ये वसवराज एस बोम्बई। तो वसवराज एस बोम्बई को ही अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है कर्नाटका राज्य सरकार का, यानी कर्नाटक की सरकार अब किसकी चलेगी? वसवराज एस बोम्बई जी के नेतृत्व में चलेगी, क्योंकि वसवराज एस बोम्बई को क्या बनाया गया है? तो बनाया गया है चीफ मिनिस्टर। किसके समक्ष शपथ ली है उन्होंने अपने पद की, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा नहीं जाएगा, पता होना चाहिए। तो वज्जूभाई बाला इन्हीं के, ठीक है। और राज्यपाल को अगर शपथ दिलाते तो कौन? उस राज्य के चीफ जस्टिस, ठीक। चलिए, वैसे बता दिया नॉलेज के लिए। अब कर्नाटक की बात है जी, तो यक्षगान डोलू कुणीता फेमस डांस है यहाँ के, हुबली डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है। वाई? तो ये है क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, और दूसरा कि हुबली तो पश्चिम बंगाल में है, हुबली, तो बार बार बताती हूँ ये बात ताकि सही रहे प्रोनाउंसिएशन। तो हुबली का क्या है, हुबली में जो है कोरोना वायरस का जो पहला, मतलब जो कोरोना COVID-19 का जो पेशेंट था वो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था, तो पहला पेशेंट जो ठीक हुआ वो हुबली का ही था। कावेरी नदी पर कौन सा डैम है? कृष्णा राज सागर। और कृष्णा नदी पर कौन सा है? तो अलमाटी डैम। तो कावेरी रिवर पर कृष्णा राज डैम और कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम, ये दोनों कर्नाटक में ही है। बुखार क्लिनिक स्थापित किए गए, नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए ही चल रही है, एप्टा मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप दोनों बहुत फेमस है, और बेंगलुरु कैपिटल है जी कर्नाटक की, है ना। और साथ ही कर्नाटक का एक और पॉइंट ले लेते कि वज्जूभाई वाला तो गवर्नर हो ही गए, बताया है, वसवराज एस बुम्बई चीफ मिनिस्टर हो गए, बनरकाटा बांदीपुर कुद्रेमुख नगर होल और अंशी ये नेशनल पार्क है, तो इतना तो आप याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
ड्रिंक वाटर फ्रॉम डैम, ड्रिंक वाटर फॉर फ्रॉम डैम, ड्रिंक वाटर फ्रॉम डैम। ये योजना भी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? यह इस योजना का, ड्रिंक वाटर फ्रॉम डैम, इस योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ओडिशा। जी हाँ, नवीन पटनायक जी ने अभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक वाटर फ्रॉम डैम नाम की एक योजना शुरू की है। अब बात है उड़ीसा की। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जान लिए, गवर्नर गणेशी लाल है, कैपिटल भुवनेश्वर है, और रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। IOCL के माध्यम से बिंदु सागर सोच पहल चल रही है भुवनेश्वर में, ठीक है। वैसे चांदीपुर रेंज भी उड़ीसा में ही है, और व्हीलर द्वीप, ये एक इसका नाम बदल के क्या कर दिया, व्हीलर पुराना नाम है और पूरा नया व्हीलर द्वीप पुराना नाम, नया क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, दोनों ही नाम है, उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस। पुराना नाम क्या है? कलिंग, ये है उड़ीसा का। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा उड़ीसा। और सांस अभियान, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज नमूनिया सक्सेसफुली, ये 12 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। नमूनिया दिवस होता है 12 नवंबर को, ठीक है जी, बात समझा गई, ये बात हो गई। अब देखिए उड़ीसा में कौन कौन सी नेशनल पार्क है। एक तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका, और ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है। जू, कौन सा चिड़ियाघर है, नंदन कानन, और वहाँ कौन सी स्कीम चल रही है, एडेप्ट एन एनिमल। अच्छा ये बात, और एडेप्ट, और एक लेक बहुत फेमस है, चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। तो टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, जू हो गया, लेक हो गई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी, गहेरमठ और सोनावेड़ा, कोठागढ़, नलवन, वाइशीपल्ली और डिबरीगढ़, 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखिए, ठीक है। बीच कौन कौन से फेमस हैं, गोल्डन बीच और रूसी कुलिया बीच, ये 2 फेमस हैं। टेम्पल्स कौन कौन से फेमस हैं, जगन्नाथ, कोणार्क और लिंगराज, ये टेम्पल हैं। ऐप कौन कौन से चल रहे हैं, एप्लीकेशंस फेमस, तो एक तो जीरो मिशन ऐप और दूसरा चल रहा है सेचा समाधान, तो ये दोनों याद रखिए। पोर्टल चल रहे हैं कौन कौन से, एक तो चल रहा है परिश्रम पोर्टल और एक चल रहा है सुमंगल पोर्टल, ये चल रहा है। अच्छा 2 गांव हैं जिन्हें यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है, कौन कौन से, एक है वेंकट रायपुर और एक है न्यूलियशाही, न्यूलियशाही और वेंकट रायपुर। योजनाएं कालिया चल रही थी, अमाघरे चल रही थी, एक बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए शुरू हुई है, एक मधु बाबू पेंशन वितरण योजना भी चल रही थी, लेकिन इसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड कर लिया है तो ये नई हो गई। और एक नई योजना गरिमा अभी थोड़ी दिन पहले स्टार्ट हुई थी, ये भी चल रही है क्या उड़ीसा में। समहती कार्यक्रम, समहती प्रोग्राम भी यही चल रहा है। और 3 उत्सव भी याद रखिए, राजपर्व, रजा पर्व, इसको एक ही नाम से राजपर्व कहिए या रजा पर्व, नुआखाई उत्सव और चैत्र जात्रा महोत्सव, ये सब बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। कुछ बच गया क्या, बच गया हो तो आप पुराने वीडियो से सुन लीजिएगा। तो इतनी बात ऐसी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी कौन किस राज्य का शहर, एक मिनट, हाँ ठीक है, कौन सा शहर 2400 घंटे गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल, यानी क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर 24/7, यानी 24/7, कौन सा सिटी, भारत का कौन सा शहर या किस राज्य का कौन सा शहर 24/7 क्वालिटेटिव फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, यानी गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध करवाने वाला कौन सा शहर बना है भारत का, ये है क्वेश्चन। भारत का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल 2400 घंटे उपलब्ध करवाने वाला बन गया है? तो पुरी, पुरी उड़ीसा में है और ये उड़ीसा का शहर है पुरी। कौन सा, पुरी। पुरी में 2400 घंटे आप पीने का पानी बहुत ही क्वालिटेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो 24/7
क्वालिटेटिव फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवा रहा है पूरी उड़ीसा में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल 2400 घंटे, तो याद ही रहेगा। और उड़ीसा के फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए यानी कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए भारत को कौन सा देश $25 मिलियन की सहायता यानी आर्थिक सहायता देगा। हाल ही में कौन सा देश भारत को कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए $25 मिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, तो अपने देश भारत को देगा अमेरिका, USA, क्या $25 मिलियन फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन, कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए $25 मिलियन का आर्थिक अनुदान देगा, सहायता देगा अमेरिका अपने देश भारत को। तो ये था जी आज का करंट अफेयर्स। कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।